हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उसके प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात कर रहे हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन कट ऑफ के बारे में, तो इसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपके अगर अंक 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं तो ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जिनका सेलेक्शन जो है इनके अंक के बीच में हो जाएगा। यानी अगर आपका अंक 30 से 40 के बीच में आ रहा है, अगर आप जनरल ओबीसी एसटी एससी से हो, तो आपका कितना चांस है सेलेक्शन हो जाने का, तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। तो साइको के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो जिनके इतने अंक आ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और नए विजिट किए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक अनुमानित आंकड़ा रखा हुआ है आरआरबी एएलपी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके अंक 30 से 40 के बीच में आ रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने एएलपी में एग्जाम दिया है, अगर आपके अंक 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं तो आपको कितना चांस रहेगा इनमें से कि कितने लोगों का सिलेक्शन जो हो जाएगा। तो ऐसे करीब 30 से 40% लोग होंगे जिनका सिलेक्शन जो है वो 30 से 40 के बीच में अगर उनका अंक आ रहा है तो ऐसे 30 से 40% लोग होंगे जिनका सिलेक्शन जो है वो एएलपी के एग्जाम अगले स्टेज के लिए वो हो जाएगा साइको के लिए। तो ऐसे 30 से 40% स्टूडेंट है। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कम से कम भी तो 40 से 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन जो है वो 30 से लेकर के 40 के बीच में अगर उनका अंक आ रहा है तो उनका सिलेक्शन जो यहाँ से हो जाएगा। अगर उनका अंक 32 भी आ रहा है, 34 भी आ रहा है, तब भी उनका सिलेक्शन जो वो हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो होंगे वो उनकी संख्या 40 से 50% है एक्सपेक्टेड के तौर पर, मैं आपको बता रहा हूँ। और एससी के लिए बात कर लो तो 55 से 65% लोग ऐसे होंगे जिनका नंबर अगर 30 से 40 के बीच में वेरी कर रहा है, 30 से 40 के बीच में आ रहा है, तो उनका सिलेक्शन जो यहाँ पे कितने कैंडिडेट का हो जाएगा। ऐसे 55 से 65% लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन जो वो 30 से 40 के बीच में अगर उनका नंबर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन यहाँ से अवश्य हो जाएगा। और एसटी के लिए बात कर ले तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो होगा फ्रेंड वो एसटी के लिए ही होगा, क्योंकि कट ऑफ जो कम जाएगा वो एसटी कैटेगरी का सबसे कम जाएगा। तो 70 से 80%, जी हाँ फ्रेंड, 70 से 80% लोगों का सिलेक्शन जो अगर नंबर उनका 30 से 40 के बीच में आ रहा है, अगर वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एलपी का एग्जाम दिया है, 30 से 40 के बीच में अगर उनका अंक आ रहा है तो उनका 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन जो वो इनके बीच से वो हो जाएगा। क्योंकि एसटी का कट ऑफ के बारे में बात कर ले फ्रेंड तो 35 या 36 के आसपास ही इनका जो अभी जो आंसर किया जो रिलीज किया गया है 18 फरवरी को, जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो 35 या 36 नंबर ही देखने को मिल रहा है एसटी के लिए। तो कट ऑफ ज़्यादा जानने की उम्मीद नहीं है। और एससी के लिए कट ऑफ की बात कर ले आंसर की के मुताबिक जो कि 18 फरवरी को रिलीज किया गया था, तो वहाँ पे 38 या 39 के आसपास लोगों का एवरेज देखने को मिल रहा है। तो इतना अगर अंक आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, 90% सेफ मान सकते हैं। अगर उनका अंक 42 से ऊपर है तो वो पूरी तरह से लगभग सेफ है। ओबीसी के लिए बात कर ले तो ओबीसी का जो एवरेज आ रहा है वो 42 के आसपास आ रहा है, एलपी वालों के लिए 42-41। तो अगर इतना अंक आ रहा है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन लगभग यहाँ पे तय दिख रहा है। और जनरल की बात कर ले तो 44 के आसपास अगर अंक आ रहा है एलपी के लिए आंसर की से, तो आप समझिए कि आपका जो ऑब्जेक्शन और नॉर्मल एक्सटेंशन नंबर बढ़ करके आपका जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा परसेंट यहाँ पे चांस हो जाता है, 90% चांस हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बात ध्यान रहे कि पार्ट बी में आपका जो अंक है वो 26.50 एटलीस्ट होना चाहिए सिलेक्शन आगे होने के लिए। और यहाँ पे एक लाइन में बता दूँ ऑब्जेक्शन के लिए, अगर ऑब्जेक्शन आपने लगाया तो उसका अंक तो आपको मिलेगा ही, अगर कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर आरआरबी की तरफ से है तो वो भी आपको बोनस के तौर पर मिल जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं भी लगाया है फिर भी आपको अंक मिल जाएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर आपके शिफ्ट में से किसी कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन लगाया है, अगर वो वैलिड पाया जाता है तो फिर उसका नंबर जो वो सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि हुआ क्या कि पार्ट ए में 70% लोग क्वालिफाई कर गए हैं जबकि पार्ट बी सबका बहुत खराब गया है, तो 20 से 30% बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर पाए हैं जिनका नंबर जो वो 26.50 से ऊपर आया है, लेकिन बहुत लोगों का नंबर जो वो 25, 23, 24 इतना ही आ रहा है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पार्ट बी में क्वालिफाई कर पाए हैं। तो ये बात रही एएलपी की। और यहाँ पे टेक्नीशियन की अगर बात कर ले तो टेक्नीशियन का वही अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे
प्लस टू प्लस थ्री आप लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं सभी कैटेगरीज़ में। तो यहाँ पे जनरल के लिए मैंने बता दिया, ओबीसी के लिए बता दिया, एससी के लिए बता दिया और एसटी के लिए भी यहाँ पे मैंने बता दिया। और एक्स सर्विस मैन के लिए बात कर ले तो एक्स सर्विस मैन का कट ऑफ यहाँ पे कम रहेगा, सबसे कम कट ऑफ जो रहेगा वो एक्स सर्विस मैन का ही रहेगा, 32 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। और पीएच कैंडिडेट की बात कर ले तो पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ 34 के आसपास रह सकता है। तो ये तो बात रही इसकी। और अगर पीसीएम की एक लाइन में मैं बात कर लूँ तो 64 या 63 के ऊपर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा पीसीएम कैटेगरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीट की संख्या बहुत कम थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। पीसीएम 10+2 के स्टैंडर्ड पर देखा जाए तो पीसीएम का जो कट ऑफ रहेगा वो सबसे अधिक रहेगा, सबसे हाई रहेगा। अब बात कर ले कि जब अगर रिजल्ट आता है यानी कि रिवाइज्ड आंसर की, और जो रिजल्ट आपका आएगा हो सकता है एक साथ जारी किया जाए, हो सकता है कि रिवाइज्ड आंसर की पहले आपका आ जाए। और रिजल्ट की बात कर ले तो मार्च के सेकेंड वीक में आपको इसका रिजल्ट या रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आया नहीं है। तो हो सकता है कि पहले ग्रुप डी का रिजल्ट ही आए, उसके बाद आपका ALP CV2 का एग्जाम का रिजल्ट आपको देखने को मिले फ्रेंड। तो यहाँ पे बात यही है फ्रेंड। अब अगर बात कर ले रिजल्ट में एक दो तीन नंबर से कोई रह जाता है तो उनके लिए फिर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया, और वेटिंग लिस्ट में 50% लोगों को शामिल किया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी का 50% यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है ज्वाइनिंग के समय तो फिर वेटिंग लिस्ट से बुलाया जाएगा और वहाँ से लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि जनरल से अगर इतने परसेंट इतने नंबर आ रहे हैं, 30 से 40 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो यहाँ पे 30 से 40% जनरल वालों अगर है तो उनका सिलेक्शन जब वो 30 से 40% लोग ही होंगे जिनका सिलेक्शन जब वो 30 से 40 के बीच में हो जाएगा। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होगा 30 से 40 के बीच में अगर आपका अंक आ रहा है, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सबसे ज़्यादा चांस आपका ही होगा, 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जिनका जो सिलेक्शन जो है वो 30 से 40 अंक के बीच में ही आपका हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है ST का वो 35 के आसपास ही बनने वाला है। तो इसीलिए रिवाइज्ड आंसर की जो एवरेज देखा जा रहा है वो 35 के आसपास ही देखा जा रहा है। तो आपका पूरा पूरी चांस है कि आपका 30 से 40 के बीच में नंबर है, तो आप पूरी श्योरिटी रहो 90% 80%, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 70 से 80%, तो पक्का ही आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो इतने परसेंट लोगों को इसलिए बुलाया जाएगा फ्रेंड क्योंकि आप जानते हैं कि 8 गुना लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा साइको के लिए, साइको स्टेज के लिए। तो इसलिए इतने परसेंट लोगों का सिलेक्शन जो वो अवश्य हो जाएगा अगर उनका नंबर 30 से 40 के बीच में वैरी कर रहा है। और सबसे कम सिलेक्शन जनरल के लिए होगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई जाता है, तो ज़्यादा चांस ओबीसी एससी एसटी वालों को यहाँ पे ज़्यादा चांस अगर उनका नंबर 30 से 40 के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड तौर पर बता दिया कि इतने परसेंट लोगों का सिलेक्शन जो वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है, ऑब्जेक्शन का नंबर भी आपको मिल जाएगा और इनकरेक्ट का भी नंबर आपको यहाँ पे बोनस के तौर पर मिल सकता है फ्रेंड। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और इसी तरह का इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।